मरियम लाइंस आई हॉस्पिटल दुदुली में मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन हेतु शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी रोगियों को सभी प्रकार के रोगों की जांच की गई। जानकारी के अनुसार रुदुली नगर में स्थित मरियम लाइंस आई हॉस्पिटल में ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर के रोगियों तथा कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच की गई। सर्जरी के लिए योग्य पाए गए 25 लोगों को अयोध्या के आई हॉस्पिटल भेजा गया। क्षेत्राधिकारी रुदुली डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार यादव ने सभी मरीजों को बस द्वारा विदा किया तथा उनको सफल ऑपरेशन की कामना की। डॉक्टर धर्मेंद्र यादव ने क्षेत्र के अंधता मुक्त बनाने में मरियम आई हॉस्पिटल की प्रशंसा भी की। दूसरी ओर मोतियाबिंद ऑपरेशन के सभी रोगियों को आंखों में इंट्रा ऑक्यूलर लेंस भी रोपित किए जाएंगे। इसकी जानकारी मरियम आई हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर निहाल रजा ने दी। मरियम लाइंस आई हॉस्पिटल रुदौली लगभग 38 वर्षों से रुदौली को ब्लाइंडनेस फ्री जोन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने लगभग 16,000 लोगों को निशुल्क आँखों के ऑपरेशन कराए। पहले ये ऑपरेशन यहीं पर और यहीं के ऑपरेशन थिएटर में हुआ करते थे, लेकिन सरकार की कुछ नीति बदलने के कारण अब ये सारे ऑपरेशन जो है वो हमें अयोध्या आई हॉस्पिटल भेजना होते हैं, जहाँ पे इसका बेस हॉस्पिटल है। और इसी श्रृंखला में शीतकालीन कैंप में आज यहाँ पर एक मरियम लाइंस आई हॉस्पिटल के प्रांगण में एक विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मरीजों की आँखों के निरीक्षण किए गए और उन्हें दवा दी गई। मोतियाबिंद के लिए जो पेशेंट थे उन्हें स्क्रीन आउट किया गया, उन्हें छांटा गया, और जो ऑपरेशन के योग मरीज पाए गए उनको बस द्वारा अयोध्या आई हॉस्पिटल भेज दिया गया। आज इसको भेजने के लिए हमारे बहुत ही कर्मठ क्षेत्राधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार यादव मौजूद थे और उन्होंने उस वैन को फ्लैग ऑफ किया। जाने से पूर्व सभी मरीजों के कंप्यूटर से जांच की गई। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच करने के बाद ऑपरेशन के योग पाए गए मरीजों को अयोध्या भेजा गया। वहाँ पे इन सभी मरीजों को आँखों के ऑपरेशन होंगे, जिसमें इंट्राऑक्युलर लेंस इम्प्लांट किया जाएगा। यानी ये साधारण ऑपरेशन नहीं है, ये टेक्निकली बहुत ही हाई क्वालिटी का ऑपरेशन है, जिसमें ऑपरेशन करने के बाद उसमें लेंस इम्प्लांट किया जाता है और उसके बाद चश्मा लगाने की ज़रूरत है। वहाँ पे मरीजों का रहने खाने और का निःशुल्क प्रबंध किया जाता है और ये पेशेंट यहाँ परसों आ जाएंगे और उसके बाद इनकी आँखों की जांच फिर की जाएगी और उसके बाद इनको अपने अपने घरों पर भेज दिया जाएगा। बस।